सो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो यहाँ पर आने के लिए जी, इस एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए। कुछ बताइए अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में शॉर्ट में। जी जी, हम लोगों का ओम स्वीट्स के नाम से गुड़गांव में हमने काम शुरू किया था, तो अब उस काम को चलते चलते अब हमारे टोटल 12 आउटलेट हो चुके हैं, एक दिल्ली में, एक फरीदाबाद में, 10 गुड़गांव में, और नेक्स्ट और भी प्लानिंग है, और भी आउटलेट आने हैं। तो ढोडे के मामले में हमारा नाम मशहूर है सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो आज भी हमारे लोग यहाँ पे जितने आए हुए हैं आज भी हम उनको यहाँ पर गिफ्ट करेंगे ढोडा, तो ये है। सर बहुत बहुत थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जी कि आप इस एग्जीबिशन का हिस्सा है। अभी इंडस्ट्री चेंज हो रही है धीरे धीरे, जी जी जी, बहुत ऑटोमेशन आ रहा है, प्रोसेसिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, क्या लगता है इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी फ्यूचर? इंडस्ट्री जैसे जैसे टाइम के हिसाब से चेंज होती जा रही है वैसे वैसे हम लोग भी ऑटोमेशन में जाते जा रहे हैं, और हम भी उस तरीके से जिस तरीके की आज के कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हम भी उसी तरीके से ढलते जा रहे हैं। सर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अब सिनारियो जो है जॉब सिनारियो इस इंडस्ट्री के, जी बहुत यूथ इससे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई लोग आ रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, और रोज़गार आएगा, लोगों को काम मिलेगा, और ये जो काम है हमारा इंडस्ट्री का फूड का, तो ये काफ़ी इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा काम जाएगा, और जैसे दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रही है तो और आगे और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। सर एक्सपो जो है मिठाई नमकीन कन्वेंशन एंड एक्सपो जी 2020, उसके बारे में आपकी क्या ख्याल आता है? व्हाट यू, ये हमारी जो फेडरेशन है, फेडरेशन स्वीट्स एंड नमकीन कन्वेंशन है, इन लोगों ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत ही ज़्यादा तारीफ़े काबिल है, और जिस तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि भाई ये तो साल में एक बार लगाते हैं, साल में दो बार लगना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को आपस में इंडस्ट्री के लोगों को मिलने का मौका मिले, और जो भी सरकार की तरफ से या वैसे कोई समस्याएँ हैं तो हम उनको आपस में शेयर कर सकें और उनका निदान कर सकें। सर आपकी उम्र घी शक्कर नहीं, आपके उम्र मिठाई और नमकीन जी, ये मेरी भावनाएं हैं जी। सर ये जो शो है एक गाइड बन रहा है इंडियन नमकीन और मिठाई इंडस्ट्री के लिए जी जी, और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसको ही देख रहे हैं एज अ बेंचमार्क, अब क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? भाई हमारा ये जो मिठाई और नमकीन कन्वेंशन है ये हमारा आने वाले टाइम में इस तरीके का बन जाएगा कि हम लोग इंटरनेशनल को भी पीछे छोड़ देंगे। सर व्हाट आर योर रीजंस टू कम टू द शो, आपके क्या रीजंस हैं आप शो में हैं? ब्रांडिंग, एक्सपेंशन, सेल्स, क्या? भाई हम लोगों का मार्केट में बने का रीज़न का यही है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर हर एंगल से फोकस करते हैं, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो रेट्स हैं, चाहे वो मतलब पैकिंग है, हर एंगल से देख के उसको हम ग्राहक के सामने उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं, मैं चाहूँगा कि आप सालों साल तक जुड़े रहें और इसी तरीके से हमको गाइड करते रहें जी जी, और इस शो को और बड़ा बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।